नॉर्मली जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है उनका प्रॉब्लम ये होता है, दूर की है या करीब की है या दोनों है, तो वो अपने साथ दो ऐनक कैरी करनी पड़ती है। और उसके अलावा आईसाइट, अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी वीक है ना नज़र, तो बहुत मसाइल है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है और मेरी तो अच्छी खासी वीक है, तो मुझे तो इस बात का और ज़्यादा एहसास होता है कि आपको जब ग्लासेस पहननी पड़ी होती हैं, या अगर खुदा न खास्ता आपकी करीब की भी ऐनक है नज़र है और दूर की भी नज़र है, तो आपको दोनों ऐनक कैरी करनी पड़ती है। नॉर्मली अम्मी अबू के साथ होता है। तो जनाब यहाँ पर आज एक जापानी कंपनी है जिसने ऐसी जदीद और स्मार्ट ऐनक तैयार की है जो सिर्फ एक टच पर कभी करीब तो कभी दूर के जो ग्लासेस हैं ऐनक है उसमें तब्दील हो जाती है। इस चश्मे की बदौलत आपको करीब और दूर की जो ग्लासेस हैं वो दोनों अलग अलग कैरी नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इससे कबल एक और कंपनी ने यह दावा किया था कि वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका सिर्फ दावा ही रहा। और इसके बाद अब ये जो जापानीज़ कंपनी है इसने पिक्सल ऑप्टिक्स के काम को यहीं से कंटिन्यू किया और जहाँ पे वो रुक गया था। अच्छा, इस ऐनक के फंक्शन ये है कि इसमें एक बटन लगाया गया है जो कि लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम इस्तेमाल करता है। इस ऐनक को 20 मुख्तलिफ फ्रेम्स में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और ऐसे क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल पर मुश्तमिल ये ऐनक है जो दूर की नज़र और मुताले जब आप कर रहे होते हैं तो दोनों चीज़ों में वो तब्दील हो जाते हैं। आप एक टच करेंगे तो वो दूर की ग्लासेस बन जाएंगी, अगर आप टच करेंगे तो वो करीब की ग्लासेस बन जाएंगी। और ऐनक जो है USB से चार्ज होती है और इससे सिर्फ इस्तेमाल के वक्त इसमें बिजली खर्च होती है। तमाम इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रखी गई है, यानी कि $2200 जो है उसके लगभग इसकी कीमत है। और डेफिनेटली जिन लोगों की आईसाइट वीक है उनके लिए तो बहुत ही इनोवेटिव सी एक चीज़ है। और जहाँ पर जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो और जब आपको प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में और आप सोच रहे हो अच्छा करीब का चश्मा मैं घर भूल आया, दूर का चश्मा घर भूल आया, तो ये एक ही ऐनक आप कैरी करेंगे। $2200 इसकी कीमत है, लेकिन वर्थ इट होने वाली है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए तो ये वर्थ इट है। तो जनाब ये थी आज की हमारी पहली रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की।